आया हूँ। ये मेरा चौथी बार है कन्हैया देश में। हरी दो बार श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के साथ आया और दो बार आपकी सेवा में अलग से आया। तो आप लोगों ने मुझे प्रमोशन दिया है गुरु महाराज की सेवा से आप लोगों की सेवा करने के लिए। क्योंकि जिस तरह भगवान की सेवा से उत्तम सेवा गुरु की होती है, उसी तरह गुरु से उत्तम सेवा गुरु के भक्तों की होती है। तो उस तरह आपने मुझे प्रमोशन दिया है आपकी सेवा दे करके। सो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और मेरी कभी कभी इच्छा होती है कि मैं भेष बदल के आऊँ और चुपचाप से बैठ जाऊँ आप लोगों से सुनने के लिए। क्योंकि जब मैं ऐसे आता हूँ तो आप लोग मुझे यहाँ बिठा देते हैं जिसके मैं लायक नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कृपा कीजिए कि हम लोग ठीक प्रकार से विनम्र भाव से आपकी सेवा कर सकें। ब्रज प्रकाश प्रभु ने कुछ टॉपिक्स मुझे दिए थे, आप लोग देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं? स्क्रीन विजिबल? ओके। ये जो ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये बहुत उत्कृष्ट विषय है। इट्स वेरी हैवी टॉपिक एक्चुअली। और सामान्यतः ये विषय को चर्चा मेरे जैसे छोटे मोटे लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन इस विषय में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता सुनाते हैं, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि एक बड़ा व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति को शिक्षा देता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न पूछ रहे हैं। रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी हैं, रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य रूप में ही हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान स्वयं हैं, वो रामानंद राय से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये अपने आप में शिक्षा है कि कई बार बोल करके सिखाया जाता है, कई बार पूछ कर भी सिखाया जाता है। जैसे आप लोग कर रहे हैं, मुझे यहाँ बिठा करके सिखा रहे हैं कि बोलो कितना सीखे हो इतने दिन में। तो ये भी सिखाने का एक तरीका है। लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं ये गौड़ीय सिद्धांत की प्राण है। बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया में भी आजकल चल रहा है और लोग खूब देखते हैं, लेकिन सिद्धांत की बारी आएगी तो वो अपने ही सिद्धांत पे अडिग नहीं है। आप उनको 5 बार सेम प्रश्न पूछोगे तो 5 बार अलग अलग उत्तर देंगे। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कोई नहीं है, जो मन में आता है वही बोलते हैं। और जो मन की बात सुनता है वो कौन होता है? मंकी होता है, इसलिए नाम उसका मंकी। इसलिए मन की बात ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, सिद्धांत परंपरा में क्या सिद्धांत आ रहा है वो बात सुनना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद ने एक भक्त से पूछा, सामने एक उद्यान था, प्रभुपाद उनको पूछे ये क्या है? तो भक्त तो बड़ा डर गया, आपके गुरु आपको पूछेंगे ये क्या है तो आपको पता, अपना नाम लोग भूल जाते हैं तो बाकी क्या बात है। तो प्रभुपाद ने पूछा ये क्या है? तो भक्त तो सोच रहा था ये है तो उद्यान, इट्स ए गार्डन, आई कैन सी इट, व्हाई प्रभुपाद आस्किंग लाइक दिस? प्रभुपाद फिर से पूछे ये क्या है? तो वो डरता डरता बोला, प्रभुपाद आई थिंक इट इज ए गार्डन। प्रभु सेड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई थिंक? रैस्कल, देयर इज नो प्लेस फॉर आई थिंक। आइदर से यू नो और यू से यू डोंट नो, आइदर यू से यू नो और यू से डोंट नो, दैट इज परंपरा सिस्टम। देयर इज नो स्कोप फॉर आई थिंक। मैं क्या सोचता हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब कोर्ट में, अदालत में वकील जाते हैं तो क्या वो इस तरह दलीलें बोलते हैं कि मैं ये सोचता हूँ मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए? नहीं, वो लॉ बुक से बोलते हैं, इतना धारा के अनुसार इस तरह बात है। और जज भी क्या ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरे पड़ोस में रहता है वकील, इसकी बात सही है, ऐसे बोलता है? वो भी देखता है कि नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से क्या सही है। उसी तरह हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत हमको पता होना चाहिए। जब हम ऑरलैंडो में थे तो एक बार कुछ भक्तों को भेजा डिज्नी वर्ल्ड के लिए, डिज्नी वर्ल्ड में मज़े करने के लिए नहीं, सर्वे करने के लिए कि हाउ दे फंक्शन। तो उसमें काफ़ी पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए थे भक्तों ने। एक पॉइंट उसमें ये था कि आप डिज्नी वर्ल्ड में जाएंगे और आप किसी भी एम्प्लॉई को कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो कोई भी रिसेप्शन पे हो, या कोई भी हो, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, दे कैन नॉट से आई डोंट नो, दिस इज़ देयर रूल, उनका ये रूल है। वो ये नहीं बोल सकते मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप डिज्नी वर्ल्ड में एम्प्लॉई हैं, इसका मतलब आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ क्या वस्तु है, कहाँ जाना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, क्या रूल्स है, सब पता होना चाहिए। उसी तरह हम लोग वी क्लेम अवर सेल्व्स टू बी फॉलोअर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे तो रामानंद राय के साथ क्या बात हुई मालूम नहीं है, ऐसा नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हर गौड़ीय वैष्णव को पता होना चाहिए, और स्पेशली कलयुग में। श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते थे कि जिस राजा की सत्ता होती है उसका ही गुणगान होता है। जैसे अभी हम इमिग्रेशन पे आ रहे थे तो हमने देखा वहाँ नए राजा का फोटो लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि चार पांच राजा पहले का फोटो वहाँ लगा रहेगा, नहीं, अभी जो राजा है करंट उसका फोटो वो लगाते हैं। उसी तरह कलयुग के राजा कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते थे भगवान राम का गुणगान करो चाहे मत करो चलेगा, कृष्ण का गुणगान करो चाहे मत करो चलेगा, गीता पढ़ो या मत पढ़ो चलेगा, भागवत पढ़ो चाहे मत पढ़ो चलेगा, लेकिन चैतन्य चरितामृत, चैतन्य शिक्षा, ये सबको पता होना चाहिए। चैतन्य शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, और ये सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है, सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है। जब श्री चैतन्य चरितामृत नया नया लिखा हुआ था, एकदम कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने फ्रेश लिखा था, तो उसकी एक प्रति ले जा करके उस समय पर जो आचार्य थे शिला बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि सबको प्रतियां गई थी। तो बलदेव विद्याभूषण इत्यादि सब पढ़ते ही थे, तो रात में उनकी आदत थी भागवत पढ़ने की, तो रोज भागवत पढ़ते थे। तो रात के समय भागवत पढ़ते पढ़ते जब उनको नींद आने लगी तो उन्होंने वो किताब को सारी किताबों के ऊपर रख के सो गए। तो चैतन्य चरितामृत भी उसमें थी। तो सुबह उठ के देखा तो चैतन्य चरितामृत ऊपर थी, भागवत नीचे थी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुला करके पूछा, ये किसने किया, रात में मेरी पुस्तक से किसने हाथ लगाया? शिष्यों ने बोला, हमने तो नहीं लगाया। तो अगले दिन फिर ऐसा हुआ, अगले दिन फिर वो जब रात्रि में विश्राम करने गए तो भागवत अध्ययन करके सोए, और जब सुबह उठे तो फिर देखा भागवत नीचे है, चैतन्य चरितामृत ऊपर है। तो फिर उन्होंने पूछा बाकी भक्तों से कि ये दो दिन से ऐसा हो रहा है, क्या बात है? तो भक्तों ने बताया, क्योंकि चैतन्य सिद्धांत भागवत से भी ऊपर है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को बताने के लिए कि माई सेवियर केम, ओके, हरी हरी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Whoever brought mic, may Krishna give him 125 years of age. Hare Krishna, Hare Krishna. Can you increase the volume little bit? Hare Krishna, Hare Krishna. Is it okay? Too loud? It's too loud. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay. So now new request. English Hindi mix. How many of you know how to make khichdi?
हाउ वी मेक खिचड़ी, खिचड़ी कैसे बनाते हैं, किस किस को पता है? हाँ, वट एवर यू हैव इन फ्रिज पुट इट टुगेदर एंड व्हेन यू मेक खिचड़ी कैन यू टेस्ट राइस इन देयर? दाल, सब्जी, खिचड़ी का टेस्ट है खिचड़ी. सो ऐसे इफ यू टू मच मिक्सिंग, आई डोंट नो हाउ हिंदी पीपल विल अंडरस्टैंड और इंग्लिश पीपल विल अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. सो वी वर डिस्कसिंग चैतन्य महाप्रभुज फिलॉसफी इज ए कंपल्सरी नीड फॉर गौड़ीय वैष्णवस. इसका और कोई विकल्प नहीं है. और ये रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु का जो संवाद है, ये हमारी गौड़ीय परंपरा में सबसे उत्कृष्ट संवाद है. दिस इज द हाईएस्ट डिस्कशन इन चैतन्य महाप्रभुज पास टाइम्स. सो वी नो हाउ चैतन्य महाप्रभु आफ्टर ही टुक संन्यास, वेयर डिड ही गो आफ्टर टेकिंग संन्यास, वेयर ही अटेम्प्टेड टू गो? वृंदावन. चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते ही वृंदावन की तरफ भागे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको, he tricked him and brought him to शांतिपुर. उनको छल करके शांतिपुर लेकर के आ गए. और महाप्रभु को अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि आप जहां रहेंगे वही वृंदावन है. Wherever you are, that is वृंदावन. सो चैतन्य महाप्रभु मेट ऑल द residents ऑफ नवदीप. और द बेस्ट मीटिंग was बिटवीन सची माता एंड श्री चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु और सची माता के बीच में जब वार्तालाप होता है, तो सची माता उनको बोलती हैं कि आप एक कृपा कीजिए, आप वृंदावन में मत रहिए, आप जगन्नाथपुरी में रह जाइए. क्योंकि उस समय व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था. सची माता को कैसे खबर मिलती? हाउ शी विल नो द वेयर अबाउट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु? सो शी थॉट दैट इफ चैतन्य महाप्रभु विल स्टे इन पुरी, आई विल गेट टू हियर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से मिलने कई भक्त बंगाल से जाते थे, और पुरी तो दर्शन करने लोग जाते ही थे. और जब वो वापस आते थे तो सची माता उनको पूछती थी कि मेरे निमाई के हालचाल क्या है. सो दे वुड टेल, यस, he is doing good, he is eating good. That's what mother asks. You know, you call 3 times a day. Did you eat? Did you sleep? So, mata ki wahi chinta hoti hai. So she specifically requested Chaitanya Mahaprabhu to stay in Jagannath Puri. और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में नदी में स्नान करने के लिए गए. और नदी में स्नान करने के लिए जब गए, तो उनका जो दंड था, संन्यास दंड, उस दंडा को जगदानंद पंडित को दे करके गए. जगदानंद पंडित को फिर महाप्रभु ने जब बुलाया, तो जगदानंद पंडित नित्यानंद प्रभु के हाथ में दंडा दे के गए. तो नित्यानंद प्रभु तो बैठे थे पेड़ के नीचे. तो जगदानंद पंडित बोलते हैं, ये दंडा थोड़ा टाइम रख के जाऊँ आपके पास? कैन आई कीप दिस दंडा? आर यू सिटिंग हेयर? यस यस, नो प्रॉब्लम, आई एम सिटिंग. रख करके गए. और जगदानंद पंडित जब वापस लौट करके आए, तो दंडा वहाँ नहीं था. Because Nityanand Prabhu was speaking to the Danda. You're saying, Mr. Danda, you became so big that Supreme Personality of Godhead will carry you. You are so big person, you don't deserve to have this position. So Nityanand Prabhu broke that Danda in 3 parts and threw into the river. Nityanand Prabhu Danda ko bolne lage, tum itne bade ho gaye ki tumko Chaitanya Mahaprabhu utha karke chalenge. ये संभव नहीं है. तो 3 खंड में तोड़ करके उस दंड को नदी में फेंक दिया. अब जब चैतन्य महाप्रभु आए और चलने लगे, कुछ देर बाद महाप्रभु को लगा, वेयर इज माई दंडा? सो यस जगदानंद, वेयर इज माई दंडा? और सभी आनंद थे, नित्यानंद, मुकुंद, जगदानंद, एवरीबडी इज इन आनंद. सो नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग. जगदानंद आज नित्यानंद प्रभु, वेयर इज महाप्रभु दंडा? नित्यानंद प्रभु से, यू नो महाप्रभु, आप जब भाव में आते हैं तो आपको बोध नहीं रहता है कि आप किधर गिर रहे हैं. तो आप कृष्ण नाम लेते लेते इतने मग्न हो गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इतना आप निमग्न हो गए हरिनाम लेने में कि आप मेरे ऊपर गिरे, हम दोनों दंडा के ऊपर गिरे, तो दंडा का क्या होना था, दंडा टूट गया। और टूटी हुई चीज को लेके क्यों जाना है, सो आई थ्रू इट अवे इन द रिवर। महाप्रभु बिकेम वेरी एंग्री। महाप्रभु सेड नो मोर गोइंग विथ यू, आइदर यू गो इन द फ्रंट और आई गो इन द फ्रंट। सो नित्यानंद प्रभु ने जब सुना महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप आगे जाओ चाहे मैं आगे जाऊं, तो नित्यानंद प्रभु सोचने लगे अगर महाप्रभु पीछे जाएंगे और पीछे कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के बेहोश होकर के नीचे गिर जाएंगे तो उनको उठाएगा कौन। तो उन्होंने सोचा कि आप आगे जाइए, वी विल फॉलो यू, यू गो अहेड, तो इन केस यू बिकम अनकॉन्शियस वी विल पिक यू अप। सेड ओके, महाप्रभु वेंट अहेड एंड ही वेंट टू जगन्नाथ टेम्पल। एज सून एज ही सॉ लॉर्ड जगन्नाथ, ही कैन सी कृष्णा इन श्याम सुंदर फॉर्म। You must have seen many forms of Krishna, many temples, many deities, but Jagannath is special. Jagannath sakshat Madan Mohan hai, wo akarshan karte hai. Unke samne jo chala jata hai, wo akarshan karte hai. And especially Chaitanya Mahaprabhu, who is carrying the mood of Srimati Radharani. And he is seeing the same Jagannath whom Radharani saw in Kurukshetra. Same form. Chaitanya Mahaprabhu became ecstatic. और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहां मूर्छित होकर गिर जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य सीज दिस यंग सन्यासी फेंटेड सीइंग लॉर्ड जगन्नाथ, ही मस्ट बी स्पेशल। सार्वभौम भट्टाचार्य टुक चैतन्य महाप्रभु टू हिज होम एंड देन चैतन्य महाप्रभु डिलीवर्ड सार्वभौम भट्टाचार्य। यू नो दिस पास्ट टाइम, कैसे 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से सुनते हैं और फिर आगे सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते। देन चैतन्य महाप्रभु टोल्ड सार्वभौम एंड ऑल द डिवोटीज, आई हैव वन डिजायर, लेट मी गो टू साउथ इंडिया। व्हाई चैतन्य महाप्रभु वांटेड टू गो टू साउथ इंडिया, टू ईट पुनुगुलु? व्हाई चैतन्य महाप्रभु वांटेड टू गो टू साउथ इंडिया, क्यों जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु? उन्होंने क्या रीजन बताया? यस, चैतन्य महाप्रभु सेड आई वॉन्ट टू सर्च माई ब्रदर, बट वॉट वॉज द रियल रीजन? ही वॉन्टेड टू डिलीवर द साउथ इंडियंस, ही वॉन्ट टू डिलीवर द होल इंडिया। सो चैतन्य महाप्रभु लेफ्ट, ही प्रिपेयर टू लेफ्ट, बट डिवोटीज आर वेरी क्लेवर, दैट टाइम देर वॉज नो फ्लाइट बुकिंग, सो दे केप्ट ऑन डिलेइंग चैतन्य महाप्रभुज डिपार्चर। सेड महाप्रभु अभी अभी तो डोल यात्रा आ रहा है, अभी डोल यात्रा दर्शन करके जाइए। फिर बोलते अरे ना अभी 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 रामनवमी है, रामनवमी करके जाइए। फिर बोलते ना अभी नरसिंह चतुर्दशी आने वाला है, नरसिंह चतुर्दशी करके जाइए। फिर भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा होगी, स्नान यात्रा के बाद जाइए। फिर स्नान यात्रा के बाद अभी तो रथ यात्रा आने ही वाली है, रथ यात्रा करके जाइए। फिर रथ यात्रा के बाद जन्माष्टमी, जन्माष्टमी करके जाइए, राधाष्टमी, कार्तिक व्रत। So like that, and then it's too cold to travel, so don't travel. Like that, they delayed Chaitanya Mahaprabhu's program by 2 years. 2 saal tak Chaitanya Mahaprabhu ko jaane hi nahi diya Puri se. Chaitanya Mahaprabhu says, it's too much, I have to book my own ticket. Chaitanya Mahaprabhu decided to leave. And then Chaitanya Mahaprabhu traveled. And while traveling, he started to preach Krishna consciousness. And what was Chaitanya Mahaprabhu's preaching? Jare dekho tare kaho Krishna upadesh. But even then Chaitanya Mahaprabhu didn't need to speak also. Chaitanya Mahaprabhu ko bolne ki avashyakta hi nahi thi. Wo itne sundar the, unko dekh kar hi Krishna bhakta ban jate the. Or by chance, if somebody touches Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is gone. Like if you touch 220 volts. What will happen? Or 440 volts. Chaitanya Mahaprabhu was the reservoir of Krishna Prem. So, jaise hi Chaitanya Mahaprabhu ko sparsh karta tha, tatkal, tatshanat, Krishna Prem se otaprot ho jata. Aur Chaitanya Mahaprabhu usko Krishna Prem ka alingan karte the. He would embrace and give Krishna Prem. And not only that, he would become so Krishna conscious that when he would go to his village and anybody who touched this man
would also become Krishna conscious. And that there would be visiting people from other villages, they would go to their villages and make those villages Krishna conscious. Like that whole of South India became Krishna conscious. That is Chaitanya Mahaprabhu's preaching. How wonderful. Agar hamare paas bhi aisa kuch shastra aa jaye, hum bas sparsh karke pure Kuwait ko bhakt bana denge. So, it would be so easy. But Chaitanya Mahaprabhu is supreme personality of God. So, Chaitanya Mahaprabhu came to River Godavari, the banks of River Godavari. And there, this special conversation happened. This is 10 days of conversation. 10 din ka samvad hai. 10 din ka samvad. Ek din ka samvad hum dekhenge. Wo ek din ka samvad samajhne mein hi humko kafi samay lagega. Lekin Chaitanya Mahaprabhu discussed 10 days with Ramananda Raya. Chaitanya Mahaprabhu had 3.5 close associates. What is this 3.5? 3.5 niji parshad se Shri Chaitanya Mahaprabhu ke. One is Swarup Damodar. Who is Swarup Damodar? Swarup Damodar was personal secretary of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Aur Swarup Damodar Shri Lalita Devi ke avatar the. Chaitanya Mahaprabhu was Shri Krishna with the mood and feelings of Srimati Radharani. And Radharani always have two people around her. Who are they? Lalita and Vishakha. So one is Swarup Damodar, who is Lalita, and one is Ramanand Rai, who is Vishakha. And then third was Sikhi Maiti, and then Madhavi Devi, the sister of Sikhi Maiti. So because she was a lady and Chaitanya Mahaprabhu was sannyasi, there were no direct dealings, but she would serve Sri Chaitanya Mahaprabhu through her brother. So there were 3 men and half women, so like that. Chaitanya Mahaprabhu's personal associates. So let's hear this wonderful discussion between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Raya. You can also open in your phones if you cannot read. This is Chaitanya Charitamrit, Madhya Leela, Chapter 8. These discussions are the deepest realizations in spiritual life. Ye tattva se jyada ghera tattva aur koi nahi hai. क्योंकि राधारानी के अलावा और कौन कृष्ण को निकटतम जानेगा. और राधारानी जब विशाखा से चर्चा कर रही हैं तो वो चर्चा से महत्वपूर्ण, वो चर्चा से गहनतम चर्चा और क्या होगी. रामानंद राय इज ऑल्सो इनकार्नेशन ऑफ अर्जुन. अर्जुन कृष्ण से भगवद गीता कब सुने थे? द्वापर युग में, 5000 ईयर्स अगो. And this pastime happened around 530 years ago. So Chaitanya Mahaprabhu sochne lage ki humne jo Arjun ko sikhaya hai uska test to kabhi liya hi nahi. So there has to be some oral test. So Chaitanya Mahaprabhu thought, let me take his test. So in form of Ramanand Raya, he wanted to ask, what did you learn? Therefore this example is given here that Chaitanya Mahaprabhu is like ocean of nectar, ocean of Krishna Prem. And Ramananda Raya is like clouds pouring water on the ocean. Jab samudra ke upar varsha hoti hai, to pani kahan se aata hai? Pani kahan se aata hai? Ocean se hi aata hai. To jab samudra se bhaap ban karke badal ke roop mein pani aata hai, usi sagar ke upar pani barsata hai. In the same way, Chaitanya Mahaprabhu is the ocean of Krishna Prem. Ramananda Raya took that prema from Chaitanya Mahaprabhu and offering it back to Sri Chaitanya Mahaprabhu. So whenever we do some service, we should understand this empowerment is coming from Krishna. This empowerment is coming from Guru. Hum jab bhi Guru Vaishnavo ki Krishna ki seva karte hain, kabhi bhi man mein abhiman nahi hona chahiye. Ye samarth unki kripa se hamare paas aaya. अगर वो हमें सामर्थ्य शक्ति ना देते तो हम उनकी सेवा कभी कर नहीं पाते. चैतन्य महाप्रभु इज आस्किंग रामानंद राय, टेल व्हाट यू लर्न फ्रॉम मी. सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु इज आस्किंग हिम. सो दिस इज लॉन्ग सेक्शन बट आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस कोट विच इज इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. कैन समबडी रीड दिस कोट?
the talks between Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Raya are meant for advanced devotees only. Those who are on the mundane platform and who study these talks in order to put forward some thesis for a PhD will not be able to understand them. Instead, this conversation will have a poisonous effect. So this is disclaimer of the section. केवल उन्नत भक्तों के लिए ये सिद्धांत है रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु का, और अगर हम उस दृष्टि में ये संवाद को नहीं सुनेंगे तो इसको समझने का तो दूर की बात है। अगर अपराधपूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो इसका विषय वस्तु के जैसा इसका विषैला इफेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग श्रील प्रभुपाद के आश्रय में पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के अधिकार से पढ़ रहे हैं, तो वो आश्रय में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं बोलूँगा, आप लोग पीछे पीछे पढ़ना चाहेंगे, पीछे पीछे दोहराइए। गोदावरी देखी हैला जमुना स्मरण, तीरे वन देखी स्मृति हैला वृंदावन। सो चैतन्य महाप्रभु वेंट टू गोदावरी एंड एज सून एज ही सॉ गोदावरी ही रिमेम्बर्ड यमुना। दैट वॉज चैतन्य महाप्रभु। व्हेन ही सीज एनीथिंग ही विल जस्ट कनेक्टेड टू कृष्णा। जब वो कोई पर्वत को देखते थे तो उनको गोवर्धन का स्मरण आता था। जब वो कोई भी बालक को देखते थे जिसके घुंघराले बाल होते थे, उस बालक को देख करके उनको कृष्ण का स्मरण होता था। जब वो कोई नदी देखते थे तो उनको यमुना का स्मरण होता था। और हमारा स्मरण उल्टा होता है, हम यमुना को देखते हैं फिर हमको गंदगी दिखती है, हम गोवर्धन को देखते हैं फिर हमको हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं, अरे इतना छोटा पर्वत कैसे, क्या इतने ब्रजवासी इसके नीचे कैसे फिट हुए होंगे, कहाँ से उठाया होगा, वी आर मोर कैलकुलेटिव। सो कॉन्शियसनेस कैन टर्न स्पिरिचुअल इनटू मटेरियल एंड मटेरियल इनटू स्पिरिचुअल। चैतन्य महाप्रभु रेत का पर्वत देखे जगन्नाथपुरी में, वो देख करके उनको गोवर्धन का स्मरण हुआ, और उसको अभी तक चटक पर्वत गोवर्धन तुल्य हम गौड़ीय वैष्णव उसका पूजा करते हैं। लेकिन अगर हमारी भावना भौतिक रहेगी तो हम आध्यात्मिक वस्तुओं को भी भौतिक मान लेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती वुड गिव एग्जाम्पल ऑफ बादाम भंगा शिला। यू नो द स्टोरी बादाम भंगा शिला। देर वॉज वन पुजारी एंड दैट पुजारी हैड शालिग्राम शिला। मैनी पीपल वुड कम एंड ऑफर डिफरेंट थिंग्स टू हिम। वन पर्सन गेव हिम बादाम। नाउ दीज बादाम्स दे हैव ए हार्ड शेल, द ओरिजिनल बादाम। सो ही ऑफर्ड। Now Pujari was very much fascinated and attracted to those badams. So he said, okay, now no more darshans, darshan time over. He closed the curtain and then he pounced over badam. But difficulty was he was not able to break it. He was searching what I can use to break this. So he took the shaligram and started breaking those badams. This is badam bhanga shilas. So he is worshipping shaligram but he is considering stone. And here Chaitanya Mahaprabhu seeing Godavari, he is remembering Yamuna. Ghat chadi kat dure jal sannidhane, vasi prabhu kare krishna naam sankirtane. So Chaitanya Mahaprabhu ne snan kiya. Snan karne ke baad Chaitanya Mahaprabhu paas mein baith karke jap karne lage. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकांत स्मरण, एकांत बैठ करके हरि नाम जप करने लगे। हमारे मंदिर में उज्जैन में परिक्रमा पथ पर एक पेंटिंग, इट्स नॉट पेंटिंग, इट्स ए 3D डायरोमा काइंड ऑफ थिंग लगा है माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी जप कर रहे हैं और गोपाल brings milk for Madhavendapuri. That is showed there. Madhavendapuri बैठे हैं जप कर रहे हैं और गोपाल उनको दूध लेकर के आए हैं। So one day some devotees were chanting in the corridor and one devotee was feeling very sleepy. So one senior devotee went up to him and told, do you think chanting like this will attract Krishna? See Madhavendapuri is chanting. He is chanting and his chanting attracted Krishna to come. So in the same way Chaitanya Mahaprabhu is teaching. He came to teach us how to attract Krishna. So seeing Godavari he remembered Yamuna. And what you are supposed to do on the bank of Yamuna?
कॉल आउट कृष्णा. सो ही सिटिंग एंड चैंटिंग, ही इज कॉलिंग आउट कृष्णा. एंड वाइल ही वॉज चैंटिंग, जब वो जप कर रहे थे उसी समय उन्होंने कुछ सुना. क्या सुना? हे न काले डोलाए चढ़ी रामानंद राय, स्नान करी बारे आईला भजन बजाए. डुंग 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 डुंग, सो मच साउंड्स, यू नो, बगल्स एंड यू नो, अपने पुराने मूवीज में देखा होगा शहनशाह शहनशाह, है ना. सो देयर सो मेनी पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर कमिंग विद ग्रेट टुमल्चुअस साउंड. गवर्नर ऑफ मद्रास वॉज कमिंग इन दैट टाइम. मद्रास मीन्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सो मेनी प्रोविंस, ऑल दी स्टेट्स टुगेदर वर कॉल्ड मद्रास. सो गवर्नर थे रामानंद राय मद्रास प्रांत के, और वो स्नान करने आ रहे थे. तो उनके स्नान का भी प्रोटोकॉल इतना भयंकर होता था, अभी के मिनिस्टर्स का भी उतना प्रोटोकॉल नहीं होता है. सो थाउजेंड्स ऑफ ब्राह्मणस वर चैंटिंग स्वस्ति वाचन जस्ट बिकॉज रामानंद राय वॉज गोइंग टू टेक बाथ इन गोदावरी. चैतन्य महापुरुष, हु इज दिस पर्सन? प्रभु तारे देखी जानीला ए राम राय, तहारे मिलिते प्रभुर मन उठी धाय. चैतन्य महाप्रभु सौ दिस इज रामानंद राय, एंड बाय सीइंग रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु थॉट लेट मी जस्ट रन एंड एम्ब्रेस हिम. भक्त को देख करके भगवान उत्कंठित हो जाते हैं. जैसे किष्किंधा कांड की शुरुआत में भगवान राम पंपा सरोवर से चलते हैं सुग्रीव से मिलने के लिए, और खुद से चल के जाते हैं. तो लक्ष्मण भगवान राम को पूछते हैं, आप क्यों चल के जाते हो? कोई बड़े आदमी के पास छोटा आदमी आता है, छोटे आदमी के पास बड़ा आदमी थोड़े जाता है. यू कैन कॉल सुग्रीव हियर, ही शुड कम टू मीट यू, व्हाई यू आर गोइंग टू मीट हिम? भगवान राम बोलते, नहीं, वहाँ हनुमान है, वहाँ मेरे भक्त हैं, और मेरे भक्त मुझसे श्रेष्ठ हैं. आई शुड गो एंड मीट देम. देर सुप्रियर टू मी, माई डिवोटीज आर सुप्रियर टू मी. सो ऑल दो चैतन्य महाप्रभु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट, बट ही इज सींग रामानंद राय इज माई डिवोटी, इज माई एटर्नल एसोसिएट. इमेजिन राधा रानी सींग विशाखा आफ्टर सो मेनी ईयर्स. राधा रानी विल वॉन्ट टू मीट विशाखा immediately. So चैतन्य महाप्रभु wanted to go, but उन्होंने जब देखा कि इतने सारे स्मार्त ब्राह्मण चल रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी, AK-47, सो मेनी थिंग, हाउ विल आई गो? सो चैतन्य महाप्रभु सेड, ओके, लेट मी स्टे एंड लेट हिम कम नियरर, देन आई विल मीट हिम. एंड रामानंद राय saw चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु, एज वी डिस्कस्ड, हिज प्रीचिंग वॉज हिज ब्यूटी, हिज फॉर्म, उनकी कांति, उनका वर्ण, उनका सौंदर्य उनका प्रचार था. तो रामानंद राय सौ चैतन्य महाप्रभु. प्लीज रिपीट. सूर्य शत सम कांति अरुण वसन, सबलित प्रकांड देह कमल लोचन. सूर्य शत सम कांति, लाइक हंड्रेड्स ऑफ सन्स, शत सूर्य, सौ सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु की कांति थी. इमेजिन, यू नो, यू कांट सी सन विथ योर आईज ड्यूरिंग आफ्टरनून. इमेजिन हंड्रेड्स ऑफ सन राइजिंग टुगेदर, दैट वॉज चैतन्य महाप्रभुज कांति, हिज ग्लो. अरुण वसन एंड ही वॉज वियरिंग सैफ्रन रोब्स. अरुण इज सूर्यस चैरियट ड्राइवर. सो जब सूर्य उदित होता है उस समय जो कांति होती है वो उसको बोलते हैं अरुण, बिकॉज बिफोर सन द चैरियटियर कम्स. सो जो द रेडिश ह्यू इज कॉल्ड एज अरुण, सो सैफ्रन. एंड ही इज स्ट्रांगली बिल्ट एंड कमल लोचन, हिज लोटस आईज. सीइंग दैट, रामानंद राय वॉज एस्टॉनिश्ड. रामानंद राय चमत्कार उनको महसूस हुआ कि कौन व्यक्ति है, और आ करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को. नाउ चैतन्य महाप्रभु इज टेलिंग रामानंद राय, प्लीज रिपीट. उठी प्रभु कहे उठो कहो कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगिते प्रभुर हृदय संतृष्ण.
चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उठो उठो कृष्ण कृष्ण कहो, और चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु एम्ब्रेस्ड रामानंद राय। और फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं तथापि पूछी लो तुम्हें राय रामानंद, तेहो कहे से हान दास शूद्र मंद। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आर यू रामानंद, अगर हम होते तो हम क्या बोलते, यस यस यू कैन हैव माय विजिटिंग कार्ड, आई एम द गवर्नर गवर्नर ऑफ मद्रास। रामानंद राय इज रिप्लाइंग नो, आई एम योर सर्वेंट, आई एम शूद्र, आई एम फॉलन, आई एम मंद, आई एम यूजलेस। दिस इज ह्यूमिलिटी ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। ये विनम्रता भगवान को आकर्षित करती है, जाकर के अपने गुणों को भगवान के सामने नहीं बताना चाहिए, मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ, मैं इतनी बजे उठता हूँ, कृष्णा विल विश अस गुड लक, व्हाट एल्स ही कैन डू। बट व्हेन वी सबमिट अवर ह्यूमिलिटी, दैट ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स कृष्णा, विनम्रता कृष्ण को आकर्षित करती है। चैतन्य महाप्रभु बिकेम वेरी इम्प्रेस्ड। तबे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमा वेशे प्रभु भृत्य दुहो अचेतन। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही विनम्रता देखी रामानंद राय की, वैसे ही पहले तो आलिंगन था, लेकिन अभी ये दृढ़ आलिंगन, टाइट एम्ब्रेस, एंड दे बोथ बिकेम सो एक्सटेटिक, बोथ बिकेम अनकॉन्शियस। सी व्हेन टू डिसीज्ड पीपल मीट व्हाट दे टॉक अबाउट, दो रोगी मिलते हैं क्या बात करते हैं, मेरी शुगर 400 हो गई, आपकी 350 है, आप कौन सी दवाई खाते हो, बीपी की आप कौन सी दवाई खा रहे हो, नींद की कौन सी गोली, दे विल ओनली डिस्कस अवर डिसीज। व्हेन टू बिजनेसमैन मीट व्हाट दे टॉक बिजनेस, इवन इफ बिजनेसमैन मीट समबडी हुज नॉट इन बिजनेस, ही विल टॉक अबाउट बिजनेस। व्हाट यू विल एक्सपेक्ट व्हेन टू महाभागवतर्स मीट, दे विल शेयर कृष्णा, they will discuss Krishna. That is the symptom that they are Mahabhagavat. Sometimes when we go and we see dealings of different Prabhupada disciples, we can see the beauty, the love, because they are carrying Krishna, they are sharing Krishna. So jab dono mile, Radharani Vishakha se mil rahi hai, Ramanand Rai is meeting Chaitanya Mahaprabhu, dono achetan ho gaye. Stambha swed ashrukampa puloka vaivarnya, दुहार मुखे ते शुनि गदगद कृष्ण वर्ण। अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में आने लगे, उनके रोम खड़े हो गए, उनका कंपन होने लगा, स्तब्ध हो गए, स्तब्ध मीन्स टू बी स्टैंड स्टिल, और दोनों के मुख पे केवल कृष्ण कृष्ण नाम आ गया। लेकिन जो टोली छोड़ने आई थी रामानंद राय को, वो टोली कंफ्यूज हो गई, ये क्या चल रहा है, क्या हो गया, ये हमारे सामने सामने अच्छे भले तो हम लेके आए थे, ही इज क्राइंग, इमेजिन गवर्नर इज क्राइंग, द किंग इज क्राइंग, ही इज ट्रेम्बलिंग, ही इज चैंटिंग कृष्ण कृष्ण, व्हाट हैपेंड। सो देवर दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द डीलिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड रामानंद राय। शास्त्र पढ़ने के बाद भी कृष्ण भक्ति क्या है समझना बहुत कठिन है। शास्त्र के ऊपर प्रवचन बहुत लोग देंगे, हम लोग उज्जैन में रहते हैं, ऐसे ऐसे स्मार्थ ब्राह्मण आते हैं, ऐसा ऐसा प्रवचन देते हैं, हमको लगता है वाह क्या बोला, तो क्या बोला, लेकिन बाद में जेब से निकालेंगे, सिगरेट पिएंगे, बोलते हैं हम इतने बड़े भक्त हैं, हम चाय भी पीते हैं तो तुलसी डाल के पीते हैं। शास्त्र पढ़ने के बाद भी भक्ति क्या है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। इस ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे थे, बट कृष्ण प्रेम क्या है, दो भक्तों के बीच का संबंध क्या है, वो जानना बहुत दुर्लभ है। चौपाटी मंदिर में एक भक्त हैं कृष्णचंद्र प्रभु, जो मफतलाल, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब वो जब भक्त बने, उनके पूरा परिवार भक्त बन गया, उनका ड्राइवर भी भक्त बन गया। अब जब वो ड्राइवर लेकर के आता है उनको मंदिर में, और मंदिर में जब निताई गौर हरिबोल होता है, तो वो दोनों एक साथ डांस करते हैं। अब लोग तो देखते हैं कि ड्राइवर और मालिक दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं,
लेकिन मानो जब वो घर में नेताई को हरि बोल करके डांस करें एक साथ, तो बाकी स्टाफ कैसे देखेगा? बाकी स्टाफ कंफ्यूज्ड, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इज डांसिंग विद अ ड्राइवर? दे कैन नॉट अंडरस्टैंड. सो स्मार्टस वर कंफ्यूज्ड कि ये तो सन्यासी है, ब्रह्म सम दिख रहे हैं, और ये ठीक है हमारे गवर्नर साहब हैं, लेकिन है तो शूद्र, क्योंकि रामानंद राय शूद्र परिवार से थे, तो हैं तो शूद्र, तो दोनों कैसे मिल रहे हैं? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. चैतन्य महाप्रभु टुक संन्यास नॉट टू प्रमोट ब्राह्मणवाद. चैतन्य महाप्रभु टुक संन्यास बिकॉज एट दैट टाइम देर वर सो मेनी स्मार्टस एंड देर सो एडमेंट टू फॉलो वर्णाश्रम. तो उनका केवल ध्यान ही होता था कौन ब्राह्मण है, कौन सन्यासी है, उसको घर पे बुलाएंगे, उसकी सेवा करेंगे. दैट वॉज देयर थॉट. चैतन्य महाप्रभु थॉट, आई वॉन्ट टू गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेट मी टेक द बेस्ट स्ट्रेटेजिक पोजिशन. एंड वॉट वॉज द बेस्ट स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑफ दैट टाइम? टू बी ए ब्राह्मण एंड टू बी ए सन्यासी. सो चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और सन्यासी व्रत धारण किया. मैं जोलिनस राधानाथ स्वामी महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था. महाराज बता रहे थे अगर चैतन्य महाप्रभु अभी अवतार लेते, ये 30 साल पहले का लेक्चर था, तो बोल रहे थे वो क्रिकेटर बन के आते क्योंकि लोग क्रिकेटर्स की खूब बांधते हैं. मैं सोच रहा था 30 साल पहले की बात महाराज बोल रहे हैं, अगर आज आते तो यूट्यूबर बन के आते. पीपल वॉन्ट टू हियर ओनली सोशल मीडिया. चैतन्य महाप्रभु वॉन्टेड द बेस्ट स्ट्रेटेजिक पोजिशन टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस. एट द सेम टाइम चैतन्य महाप्रभु वॉन्टेड टू टीच दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड बाउंड्रीज. आई एम ए ब्राह्मण सन्यासी बट आई एम एम्ब्रेसिंग ए शूद्र हु इज एंगेज इन द सर्विस ऑफ ए मुस्लिम किंग. रामानंद राय वॉज अंडर द किंगशिप ऑफ ए मोहम्मडन बट दे वर एम्ब्रेसिंग ईच अदर एंड दे वर शेयरिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस. सो दिस वॉज वेरी मच एस्टॉनिशिंग टू दी ब्राह्मणस. जो ब्राह्मण उनके साथ आए थे उनको बड़ा गंभीर, उनको बड़ा विस्मय हुआ कि कैसे हो रहा है. रामानंद राय इतने महान पॉलिटिशियन हैं, ये इतने बड़े सन्यासी हैं, दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं है, वाई दे आर टुगेदर? सो देवर कन्फ्यूज्ड. चैतन्य महाप्रभु सॉ दैट देवर कन्फ्यूज्ड बट वेन दे रीगेन्ड कॉन्शियसनेस दे आर टॉकिंग. प्लीज रिपीट. सुस्त होइया दोहो सोई स्थाने ते वसिला, तबे हसी महाप्रभु कहिते लागिला. सो जैसे ही दोनों को चेतना आई, महाप्रभु मुस्कुरा करके रामानंद राय को बोलने लगे. प्लीज रिपीट. सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तुम्हार गुणे, तुम्हारे मिलिते मोर करिल जतने. सार्वभौम भट्टाचार्य गेव मी डिटेल्स अबाउट यू. ही टोल्ड मी प्लीज मीट हिम एंड आई ओनली केम टू साउथ इंडिया टू मीट यू. चैतन्य महापुरुष टेलिंग, सी लॉर्ड नोज हाउ टू गिव एक्सक्लूसिव अटेंशन. Nobody can give exclusive attention in this world. Family members cannot give. Nobody can give. But Chaitanya Mahaprabhu made sure. When he went to Sarvam Bhattacharya and delivered Sarvam Bhattacharya, Sarvam Bhattacharya said, thank you for coming to Jagannath Puri. Chaitanya Mahaprabhu said, I only came to deliver you. I only came to meet you. That is Chaitanya Mahaprabhu. He is the conqueror of hearts. He doesn't fight any battles. Chaitanya Mahaprabhu ne yuddhon ko nahi jeeta. Chaitanya Mahaprabhu ne hriday ko jeeta hai. And same is our line of acharyas, Bhakti Siddhanta Saraswati Srila Prabhupada, our gurus. They are the conqueror of hearts. Chaitanya Mahaprabhu said, I just came to meet you. Ramanand Rai said, yes, Sarvabhaum Bhattacharya would tell me about you, would tell about Krishna Bhakti, but I never took it seriously. And where Sarvabhaum Bhattacharya was telling, you know, Ramanand Rai would preach me Krishna consciousness, I never took it seriously. But here Chaitanya Mahaprabhu is personally giving his mercy to Ramanand Rai. So let's skip this part. I will just go because I could not start the main thing and it's already 8 o'clock. So I'll just go into... I'm sorry, I'm skipping.
ओके सो इसके बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्टेड रामानंद राय दैट आई वॉन्ट टू हियर कृष्ण कथा फ्रॉम यू. एंड रामानंद राय सेड, हु एम आई टू स्पीक कृष्ण कथा टू यू, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू. चैतन्य महाप्रभु सेड, यू नो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक कृष्ण कथा. वाई? आई एम ए मायावादी सन्यासी, यू डोंट नो आई एम इनिशिएटेड इन मायावाद परंपरा, सो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक कृष्ण कथा. बट यू आर अ वेरी ग्रेट डिवोटी, लेट मी हियर फ्रॉम यू. तो चैतन्य महाप्रभु जो अपने आप को मायावादी सन्यासी कहकर के बताए, तो रामानंद राय उनके चरणों में गिर गए. रामानंद राय बोले, आप जो भी हैं आप कुछ दिन इधर रह जाइए, मुझे मालूम है सन्यासी को ज़्यादा दिन एक जगह नहीं रहना चाहिए, 5-7 दिन रुक जाइए बस, मैं आपसे कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ. चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट. बट बिकॉज दोज ब्राह्मणस वर कन्फ्यूज्ड सीइंग द डीलिंग्स ऑफ दीज टू, चैतन्य महाप्रभु सेड, गो बैक विद देम, अदरवाइज दे विल हैव इनसिक्योरिटीज, गो बैक विद देम, लेट्स मीट इन नाइट, नाइट टाइम नोबडी विल डिस्टर्ब यू. थैंक गॉड देयर वाज नो मोबाइल फोन्स दैट टाइम, नाइट टाइम ऑल्सो पीपल आर नॉट पीसफुल. सो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, रात में आओ, रात में कोई व्यवधान नहीं होगा, रात में हम लोग कृष्ण कथा चर्चा करेंगे. So they came at night. And Chaitanya Mahaprabhu asked him different levels of dharma. So it's very important. We will just briefly discuss this in 15 minutes. Different levels of dharma. See, all our scriptures start with what is the responsibility of a human being. Aap Bhagavad Gita mein dekhiye, Arjun apne kartavya ke liye sunishchit the. Lekin wahan par gaye, सारे संबंधियों को सामने देखा, घबरा गए. नाउ कृष्ण इज इंस्पायरिंग हिम, व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन द सेम वे परीक्षित महाराज आस्किंग सुखदेव गोस्वामी, जो व्यक्ति मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य होता है. एंड देन सुखदेव गोस्वामी इज टेलिंग, सावे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे. सो ही इज टेलिंग हिम द भागवत धर्म. इन द सेम वे डिफरेंट स्क्रिप्चर्स स्टार्ट्स विथ व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आई एम सपोज टू डू. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu is asking what we are supposed to do as devotees. Hamara kartavya kya hai? Hamare liye karaniya kya hai? So please repeat these are very nice verses. Prabhu kahe padho shloko sandhir nirnay. Prabhu kahe padho shloko sadhir nirnay. Raya kahe swadharma charane vishnu bhakti hai. चैतन्य महाप्रभु आस्ट, पढ़ो श्लोक, रिसाइड फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला लगाओ तुक्का, क्या है जीवन का उद्देश्य क्या है, नहीं, शास्त्र से बताओ, शास्त्र से बताओ जीवन का उद्देश्य क्या है. और रामानंद राय बताते हैं कि अपना स्वधर्म करना जीवन का उद्देश्य है. साउंड्स फैमिलियर? You heard people talking about this? कर्म ही पूजा है, अपना कर्म करो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, चार चोर चोरी करके आएंगे ईमानदारी से बांटेंगे, यही तो धर्म है, स्वधर्म आचरण. After all, Krishna made this स्वधर्म, चतुर वर्ण मया सृष्ट गुणा कर्म विभागश, Krishna made this स्वधर्म, so why not? Let's follow our स्वधर्म, that is the ultimate goal of life. चैतन्य महाप्रभु said, sorry, please repeat. प्रभु कहे एहो भाई या आगे कहो आर, राय कहे कृष्ण कर्मा कर्मार्पण सर्वसाध्य सार. प्रभु कहे एहो भाई, यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल, ये बाह्य वस्तु के बारे में बात कर रहे हो आप. शारीरिक धर्म सर्वोच्च सिद्धि कैसे दिला सकता है? क्या शरीर ब्राह्मण है कि आत्मा ब्राह्मण है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती आज दिस क्वेश्चन. अगर शरीर ब्राह्मण है तो जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो वो शरीर तो रहता है, और उस शरीर को आप दाह संस्कार करते हो मतलब आप ब्राह्मण में आग लगाते हो. अगर आप ब्राह्मण में आग लगाते हो मतलब आपको ब्रह्महत्या लगना चाहिए, शरीर तो ब्राह्मण नहीं है. तो क्या आत्मा ब्राह्मण है? आत्मा भी ब्राह्मण नहीं है. आत्मा ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो. आत्मा का स्वभाव तो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो वो भी ब्राह्मण नहीं है. तो ये बाहर के आवरण का धर्म आप क्यों बता रहे हो? और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं,
अगर स्वधर्म की बात करते हो तो हम दोनों को तो साथ में बैठना ही नहीं चाहिए था। मैं सन्यासी हूँ, ब्राह्मण हूँ, तुम शूद्र हो, गृहस्थ हो, हमारा साथ में मेल मिलाप ही नहीं है। तो ये तो बाहर की बात तुम कर रहे हो, आगे कुछ बोलो। तो रामानंद राय बोले, आगे कुछ चाहिए? आपका बजट ज़्यादा है? दुकानदार ऐसे ही दिखाता है ना, पहले एक आइटम दिखाता है। फिर माता लोग बोलती, नहीं नहीं मज़ा नहीं आया, तुमको समझ में आता है इनका बजट ज़्यादा है, तो फिर और महंगी चीज़ दिखाता है। ओके टेक दिस। सार्वम भट्टाचार्य गोज वन स्टेप अहेड एंड ही सेड कृष्ण कर्मार्पण, अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पित कर देना, ये स्वधर्म आचरण से भी ऊपर है। ठीक है, अपने कर्म करना अच्छा है, लेकिन अब हम अपने कर्मों का फल कृष्ण को अर्पित करते हैं। व्हाट इज द वर्स फ्रॉम भगवद गीता? यस, यत करोसि यदश्नासि यज्जोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। कृष्ण टेल्स दिस वर्स आफ्टर टेलिंग पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। बट कृष्ण पुट्स कंडीशन देयर विथ लव, है ना। हम लोग कई बार इंडिया में ट्रैवल करते हैं, ट्रक के पीछे लिखा होता है, देखो मगर प्यार से। सो ऐसे चढ़ाओ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बट प्यार से, प्रेम से। बट वॉट इफ आई डोंट हैव लव, वॉट टू डू? कृष्ण इज वेरी स्पेसिफिक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ही इज गिविंग हिज मेन्यू व्हाट आई लाइक। व्हाट इफ आई डोंट हैव पत्रम पुष्पम फलम तोयम? कृष्ण टेल्स ओके, यत करोषि व्हाट एवर यू डू मदर्पणम, गिव इट टू मी। यत जुहोषि तत् ददासि, आप जो भी तपस्या करते हो, दान करते हो, जो भी कर्म करते हो, जो भी करते हो, ऑफर इट टू मी, आई विल एक्सेप्ट, स्टिल एक्सेप्ट। इट इज लाइक पेरेंट्स टेलिंग चिल्ड्रन, ओके वट एवर मार्क्स यू आर गेटिंग, ओके डोंट वरी, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। इट डजेंट मीन दैट ही डजेंट वॉन्ट चिल्ड्रन टू स्टडी वेल। इज कृष्णस कॉम्प्रोमाइज, यत करोषि यदश्नासि इज नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस, इज कृष्णस कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, जो भी करते हो मुझे अर्पण करो, बट दैट इज नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस, दैट इज कर्मकांड। वेन वी गो अगेंस्ट अवर कर्म, दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। नरोत्तम दास ठाकुर लेफ्ट हिज होम, हिज किंगडम, एंड ही केम टू वृंदावन, एंड इन वृंदावन नरोत्तम दास ठाकुर सॉ राधा कृष्ण फेस टू फेस। हाउ मेनी ऑफ यू सॉ कृष्ण कृष्ण राधा रानी फेस टू फेस? You will not tell, very humble devotees. Okay, how many of you don't like coming back from Vrindavan when you go? Raise your hands. Once you go, Vrindavan jate hain, wapis aane ki ichcha nahi hoti. Haath khada kijiye. Many of you. Mayapur? Okay, more votes. Jagannath Puri? Okay. When we at our level are attached to Dham, imagine Narottam Das Thakur's attachment to Dham. He saw Radha Krishna face to face. He was serving Champaklata Sakhi every day. He was serving Radharani every day personally. Imagine his attachment to Vrindavan. But he was told, leave Vrindavan, go to Bengal and preach Krishna consciousness. That is one step higher. Giving up one's attachment. So yes, my work I will do, and awful results to Krishna is good. But there is something ahead. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu said, please repeat, प्रभु कहे एहो भाई या आगे कहो आर, राय कहे स्वधर्म त्याग एई साध्य सार। चेतन महाप्रभु बोलते और वैरायटी दिखाओ, आगे कुछ बताओ, टेल मी समथिंग ग्रेटर। रामानंद राय सेड देन गिविंग अप स्वधर्म इज बेटर देन ऑफरिंग रिजल्ट्स ऑफ स्वधर्म टू कृष्ण, बिकॉज when we offer results to Krishna, there is some attachment to one's activity. Businessman earning money, donating to Krishna, he will attach to business, he is attached to donation. You see in Indian temples, sometimes on fan, on three blades, they will write donated by an whole family's name. They are attached. But Ramananda is saying, giving up one's activities, giving up, renunciation is greater. What is the verse? Giving up all dharmas? Sarva dharman paritajya mamekam sharanam raja aham tvam sarva papebhyo mokshishyami mashuchat. Ramananda Rai is saying, become a sannyasi, that is best. Give up everything. That is best. Chaitanya Mahaprabhu, really, is it really possible for everybody?
dark side of renunciation is you become so renounced, you renounce Krishna and Guru also. इतने बड़े वैरागी बन जाते हैं कृष्ण को ही त्याग कर देते हैं. एंड वी सी यू सी बिग बिग मंडलेश्वर्स, बिग बिग सन्यासीज, यू आस्क हु इज गॉड, ही विल से आई एम गॉड, बिकॉज दे कैन नॉट इवन एक्सेप्ट कृष्ण, दे कैन सो रिनंसिएट द रिनंसिएटेड कृष्ण ऑल्सो. चैतन्य महाप्रभु सेड, प्रभु कहे एहो भाई या आगे कहो आर, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार. Chaitanya Mahaprabhu said, no, no, I don't want this. Dry renunciation, not good. Giving up duty is not good. Kuch aage bataiye. Keval tyag to kaam nahi chalega. Chaitanya Mahaprabhu bolte, theek hai, gyan ke saath tyag karna, ye jyada zaruri hai. Kiske liye tyag kar rahe hain? For whom I am renouncing? For Krishna. That is called gyan mishra bhakti. I am renunciating, but for Krishna. What is the verse? प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. एक्चुअली गिविंग अप अवर अटैचमेंट्स विथ नोइंग दैट दिस इज क्लचेस, दिस इज बॉन्डेज एंड आई हैव टू गो बैक टू कृष्णा, दैट इज कॉल्ड ज्ञानमिश्र भक्ति. आई एम डूइंग डिवोशनल सर्विस फॉर गोइंग बैक टू गॉडहेड, That is Gyan Mishra Bhakti. Hari Bol. We say our ultimate goal is to go back to Godhead, but that is Gyan Mishra Bhakti. That's not pure devotional service. Yes, prachar mein hum log bolte hain, are bahut janjat hai, jan mrityu jara vyadi hai, ye dikkat hai, wo dikkat hai, isiliye bhakti karo, Bhagwat Dham chale jao aur koi dikkat nahi hogi. Lekin that is not pure devotional service. चेतन महाप्रभु सिंह ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनी जन्मनीश्वरे. लेट मी कम अगेन एंड अगेन माय लॉर्ड, आई वांट टू सर्व यू, दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस. चेतन महाप्रभु रिजेक्टेड दिस आल्सो. प्रभु कहे एहो भाई या आगे कहो आर, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार. सो चैतन्य महाप्रभु सर ये भी नहीं चलेगा, इसमें भी स्वार्थ दिख रहा है, खुद की मुक्ति की अभिलाषा स्वार्थ है, अगेन सेल्फिशनेस. आई वॉन्ट टू गेट लिबरेटेड, वाई? वी हैव टू थिंक वॉट कृष्णा वॉन्ट्स, नॉट वॉट आई वॉन्ट. इफ आई स्टिल हैव दिस डिजायर दैट आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, दैट इज नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस. सो देन रामानंद राय सेड, ओके, वेन भक्ति इज डिवॉइड ऑफ दैट ज्ञान ऑल्सो, when bhakti is devoid of that tendency to get liberated also, that is the ultimate goal of life. That is devotee's attitude. They don't think that what will happen to me. This famous story of Anantacharya, he used to worship Balaji. One day the snake, you know, there was snake bite and he was late in his service. So Balaji asked, Ananta, what happened? Today you are late? He said, you don't know, one snake gave me Mahaprasad today. I was unconscious. And Balaji is a small boy. You know, Balaji means a small boy. So Balaji asked Ananta, oh, snake? There are snakes here? Are you not fearful? Ananta said, no, I am not fearful, my lord. Why you are not fearful? You see, today I am saved from snake. I came and garlanded you here. If I would have died, I would have garlanded you in Vaikuntha. Said, no fear. So that is devotee. What Krishna wants for me, not what I want for myself. Chaitanya Mahaprabhu liked this. Till now he was saying, Eho bhaiya, this is rejected. Bahar ki baat kar rahe ho, mat karo ye sab baat. Aage kuch bolo. Phir kuch piece jab dukaan mein pasand aata hai, hum kya bolte hain? Haan, isko rakho side mein. So Chaitanya Mahaprabhu liked. So he is changing his word. Prabhu kahe Eho hai, aage kaho ar. राय कहे प्रेमा भक्ति सर्वसाध्य सार. चैतन्य महाप्रभु सेड एहो हाय, यस दिस इज राइट, व्हाट ही सेड इज राइट, बट टेल मी समथिंग मोर एंड गो डीप. रामानंद राय सेड, व्हेन भक्ति इज प्रेमा भक्ति, अन्न विलाशिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम.
what is dear to Krishna. When devotee tries to find out what is dear to Krishna, that is best. Chaitanya Mahaprabhu said, yes. Prabhu kahe eho hai aage kaho aar. Rahe kahe dasya prem sarvasadhya sar. Chaitanya Mahaprabhu said, aage kaho aar. Maybe Chaitanya Mahaprabhu was not seeing at the clock, but we are seeing at the clock. Chaitanya Mahaprabhu said, aage kaho aar. Tell me something more. Okay, prema bhakti is good, but then what's better? Tell me something deep. Ramanand Raya said, dasya bhakti is the ultimate goal. Realizing that I am servant of Krishna. How can I serve Krishna? Having that attitude is best bhakti. That is called mamata, Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada wrote in purport. That is called mamata. Mamata means, Lord is mine. I am Lord's. This is our relationship. And I want to be in His service life after life. That is dasya bhakti. Chaitanya Mahaprabhu liked, but he again said, Prabhu kahe eho hai kichu aage. किछु आगे आर राय कहे साख्य प्रेम सर्वसाध्य सार. चेतन महाप्रभु सेड या दिस इज गुड सर्वेंट मास्टर रिलेशनशिप देयर समथिंग मोर टेल मी समथिंग मोर बिकॉज दिस सर्विटर रिलेशनशिप मे बी वेरी नाइस बट कैन नॉट बी एज स्वीट एज फ्रेंडशिप. कावर्ड बॉयज, they consider Krishna as their friend. When Krishna lifted Govardhan Hill, that time there were discussions. So Nanda Maharaj and all were sitting and people asked, Nanda Maharaj, who is your son? We are confused. Is he a demon? Because who can lift such a big mountain? Is he a demon? Nanda Maharaj said, no, he cannot be a demon because he killed so many demons. So if he is one among them, why he will kill demons? And said, he must be a demigod. Somebody said, no, he cannot be demigod also because he punctured Indra just now. Govardhan. So he didn't side with demigods either. So who is he? So Nanda Maharaj said, Garga Muni told, he is like Narayan. So the Gopas, Krishna's friends, were hearing, our Krishna is Narayan. So they went and they told, Krishna, we heard you are Narayan. He said, yes, of course I am Narayan. Said, can you show us Vaikuntha? They are excited. Can you show us Vaikuntha? Krishna said, yes, come. So Krishna took all the gopas to Yamuna. Krishna said, okay, let's dive. So they went underwater. Krishna said, close your eyes. Close their eyes. And Krishna said, open your eyes. They opened their eyes. All of a sudden, all gopas were in Vaikuntha. Now they were seeing big, big palaces. The roads made of solid gold. The Chintamani. Sahastra Lakshmis are brooming. Vishnu is sitting. They started to talk. See, see, look, look, this tree, this bird, this, that. And suddenly this Nanda Sunanda, the servitors of Vishnu came. Said, keep quiet. You are in Vaikuntha. You can't talk like this. Said, okay, okay. But we are hungry. No, no, they are prasadam timings. You can't follow. You can't do things like here. You sit there, wait, you know, the timings. And when Narayan comes, you have to bow down. The Gopa is tolerated for 5 minutes and then Krishna, let's go back. We are not saying here. we are suffocating here. Ye hamara ras nahi hai. Hamara ras hai, jahan bhook lagi, batki phodo, khao, ladai karo, khelo, kudo, jamna mein nahao. So that is friendship. So Chaitanya Mahaprabhu said, yeah, okay, servitor is good. What is next? Ramanand Raya said, this friendship is better. Prabhu kahe eho uttam aage kaho aar. Raya kahe vatsalya prem sarvasadhya sar. Chaitanya Mahaprabhu said, what you said is uttam, is best. Jo bhi abhi bataya, bahut achha bataya. Friendship is nice. But aage bhi kuch hai. Tell me something more. Then Ramanand Raya said, vatsalya prem is higher than that. Now, devotee is not equal to Lord. Friendship means equal. In parental love, devotee becomes superior to the Lord. Mother Yashoda chastised Krishna. Nanda Maharaj chastised Krishna. They are superior to Krishna. Chaitanya Mahaprabhu said, yes, this is very good.
आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स. प्रभु कहे एह उत्तम आगे कहो आर. प्रभु कहे एह उत्तम आगे कहो आर. राय कहे कांत प्रेम सर्वसाध्य सार. राय कहे कांत प्रेम सर्वसाध्य सार. चैतन्य महाप्रभु सेड यस पेरेंटल रिलेशनशिप इज नाइस बट देयर इज समथिंग हायर. देन रामन राय सेड कांत प्रेम माधुर्य प्रेम द लव ऑफ गोपीज ये गोपियों का प्रेम इससे भी उत्कृष्ट है. गोपियां कृष्ण को डांटती ही नहीं है गाली देती हैं. रिब्यू कृष्णा से अब्यूसिव वर्ड्स टू कृष्णा इन गोपी गीत. गोपीज आर ऑल दो क्राइंग फॉर कृष्णा बट आवर आचार्यस हैव गिवन डिफरेंट कमेंट्रीज टू गोपी गीत लाइक दिस वर्स कम नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रिक. वन आचार्य सेड एक्चुअली गोपीज आर चेस्टाइजिंग कृष्णा. They're saying, Nakhal Gopika Nandano Bhavan. You cannot be son of Mother Yashoda and Nanda Maharaj. Why? Because they are so soft-hearted. And you are so hard-hearted. Actually, the literal meaning is, you are Akhila Dehinam Atmara. You know, you are the Supreme Lord. You are not just son of Nanda and Yashoda. But gopis are actually chastising Krishna. They are so soft-hearted. Mother Yashoda is like a cow. And you are so hard-hearted, you cannot be their son. So that is love of gopis. And Krishna says, this chastisement of gopis are better than glorification of the Vedas. Ved shrutiyon mein mujhe anand nahi aata hai, jab tak gopiyan gali nahi deti hai, mera khana nahi pasta hai. That is love of gopis. Chaitanya Mahaprabhu became very, very happy. See, lovers can play any role. When they are lovers, they can serve each other. When they are lovers, they can take care of each other like parents. When they are lovers, they can talk like friends. And the sharing of love, the sharing of feeling, the sharing of relationship between lovers is unique also. But parents cannot do that. Friends cannot do that. All have their limitations. But this love of gopis go beyond all the relationships. Chaitanya Mahaprabhu became very happy. Now Chaitanya Mahaprabhu is silent. Raman Rai is telling. Krishna prapti rupaye bahu vidahai. कृष्ण प्राप्ति तरात्मय बहुत आचाय. चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्ण प्राप्ति के बहुत सारे उपाय हैं और कृष्ण हर उपाय को स्वीकार करते हैं लेकिन कृष्ण सर्वाधिक आनंद महसूस करते हैं गोपियों के प्रेम में. इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि. जहार महिमा सर्वशास्त्रेत वकानी. एंड अमंग दीज गोपीज द बेस्ट लव इज लव ऑफ श्रीमती राधा रानी. हु कैन अंडरस्टैंड दैट प्रेम. चैतन्य महाप्रभु बिकेम सो हैप्पी. चैतन्य महाप्रभु सेड प्रभु कहे आगे कहो सुनीते पाई सुखे. अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे. चैतन्य महाप्रभु सेड सच नेक्टर इज फ्लोइंग फ्रॉम योर माउथ रामानंद. आई वॉन्ट टू हियर अबाउट राधा रानी. प्लीज टेल मी ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी. बट वी हैव टू गो बैक होम. ओ यस. चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपके मुख से इतनी अमृत धारा बह रही है मैं आगे सुनना चाहता हूँ. राधा रानी के विषय में सुनना चाहता हूँ तो आप आगे बताइए. लेकिन चैतन्य महाप्रभु को घर नहीं जाना था. हमको घर जाना है. सो वी विल एंड हियर. देयर आर सो मेनी नाइस डिस्कशंस. सो टुमारो व्हाट वी ओके टू थ्री वर्सेस देन वी विल एंड एंड टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू सेक्शन. ओके सो वी कैन जस्ट रिपीट दिस वर्स. प्रभु कहे जे लागी आई लाम तुम स्थाने. से ही सब तत्व वस्तु होइल मोर ज्ञाने. चैतन्य महाप्रभु सेड उन्होंने बोला कि मैं जिस काम के लिए तुम्हारे पास आया था अभी वो पूर्ण हो गया. मैं तुमसे कृष्ण कथा सुन रहा हूँ. यही दो भक्तों के मिलने का बीच का आशय होना चाहिए. एबे से जानी लो साध्य साधन निर्णय. आगे आर अच्छे किछु सुनीते मन हाय.
तो अभी आपसे साध्य कौन है, साधन कौन है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है सुन लिया, लेकिन और भी आगे सुनने की लालसा है। तो कल हम मिलेंगे, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला, कल हम मिलेंगे और कल हम आगे चर्चा करेंगे। सो टुमारो नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु वेंट इनटू वेरी नाइस डिटेल्स ऑफ व्हाट इज कृष्ण तत्व, व्हाट इज राधा तत्व, हु इज कृष्ण, हु इज राधा रानी, हाउ दे इंटरैक्ट, एंड देन देर आर वेरी नाइस डिस्कशन वन लाइनर्स। चैतन्य महाप्रभु व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फेम, देन रामानंद राय रिप्लाइज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सॉरो, रामानंद रिप्लाइज वन लाइनर्स, यू नो रैपिड फायर क्वेश्चंस इंटरव्यू, सो दैट विल ऑल्सो कम, सो वी कैन डिस्कस सम अदर डे। हरे कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु की, रामानंद राय की, श्रील प्रभुपाद की। सो वी काइंड ऑफ रेस्ट 118 वर्सेस, दिस चैप्टर हैज 313 वर्सेस, सो प्लीज रीड दिस चैप्टर इफ यू रियली वॉन्ट टू रिलिश। प्रभुपाद ने बहुत सारे श्लोकों में विस्तार से तात्पर्य दिया है इस अध्याय में, आप इसका आस्वादन करना चाहते हैं तो प्लीज इस अध्याय को पढ़िए और you can learn what is the foundation of our Gaudiya Vaishnava Siddhanta. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any question? We can take a couple questions. Yes. Gopi bhav mein ek step higher hai. It's more sweet. Sakhas, they are friends. They unko कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने को मिलता है लेकिन एक लिमिट में, बट गोपीज दे कैन डू एनीथिंग विद कृष्ण, सो दैट इज वन स्टेप हायर, मोर स्वीट। एनी अदर क्वेश्चन? वन क्वेश्चन, व्हेन विल प्रसाद बी सर्व्ड? हरे कृष्ण। सो दिस टॉपिक इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल एलिवेटेड, फिर भी अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये जो हमने आज चर्चा की इज जस्ट फॉर गिविंग सम इंट्रोडक्शन, बट अगर आप इस अध्याय को घर पे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि इसके अंदर कितनी गहराई है, और जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको आनंद मिलेगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत इज सो स्वीट, सो स्वीट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती वुड से दैट फॉरगेट ऑल अदर स्क्रिप्चर्स, जस्ट रीड चैतन्य चरितामृत। ही सेड ऑल गौड़ीय वैष्णवस शुड रीड चैतन्य चरितामृत एटलीस्ट 100 टाइम्स। सो वन टाइम अवर भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आस्क्ड हिज होलनेस जयपता का स्वामी महाराज, दैट गुरु महाराज, ही वॉज मैंशनिंग दिस इन ए लेक्चर, एंड ही आस्क्ड गुरु महाराज, डिड यू रीड चैतन्य चरितामृत 100 टाइम्स? ही सेड लॉन्ग बैक 100 टाइम्स फिनिश्ड, एंड नाउ आई एम रिलिशिंग एवरी डे मोर एंड मोर। सो वी शुड एम टूवर्ड्स दैट वी रीड चैतन्य चरितामृत अगेन एंड अगेन एंड रिलिश दिस नेक्टर। Isn't it wonderful to recite verses of Chaitanya Charitamrita? Yes, yes. Even though you don't understand, you have to repeat. Yes. It's so much nectar into that. Hare Krishna. Hare. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Hare.